स्टडी आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी की 11 41 41, से लेके 48 तक. Now, section 41, 43, 48 तक. 43, के तीनों ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके बीच के कवर अप करेंगे बट फोर्टी वन और फोर्टी में इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन दे रखी है जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए so, let's begin with इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम इस पर्टिकुलर बुक डॉक्टर आर के सिन्हा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को फॉलो कर रहे हैं सीरीज के माध्यम से तो हम जो है सेक्शन नंबर 41 से 48 तक आज की क्लास में करेंगे। now, not only this, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं दे रखा है देख रखा है तो आप वो देख सकते हैं लेक्चर नंबर 10 में हमने इससे पहले तक के सेक्शंस को कवर अप किया था इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रींस को भी कवरअप करते हुए अभी तक आए हैं सो सेक्शन जो लेक्चर इलेवन है इसमें हम ये सारे सेक्शन को कवरअप करेंगे राइट right, नाउ

आपको ये लाइफ फाउंडेशन बैच थ्री जिसकी क्लासेस 31 जुलाई को स्टार्ट होने वाली है अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है इन जस्ट रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन यूज करके प्रोमो कोड थ्री लाइफ आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट ये कोर्स आपका दो सालों के लिए वैलिड रहेगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे तो टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रमी श्रीवास्तव के नाम से सिमिलरली इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम यूजर नेम से कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन और सेशन यू कैन रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्शन फोर्टी नाउ सेक्शन 41 बेसिकली बात किसकी करता है बात करता है ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में नाउ ऑस्टेंसिबल ओनर का क्या मतलब होता है कि वो रियल में ओनर नहीं है बट ही इज लुकिंग लाइक एन ओनर ठीक है कि वो देखने में ऐसा लग रहा है कि वही असली ओनर है प्रॉपर्टी का तो यहां पे बेसिकली सेक्शन 41 में क्या बताया कि मान लो एक प्रॉपर्टी है जिसका वो ऑस्टेंसिबल ओनर है रियल ओनर नहीं है ऑस्टेंसिबल ओनर है तो वो अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है किसी पर्सन को तो वो प्रॉपर्टी वैलिड मानी जाएगी कुछ शर्तों पे।

है कि मान लो ए है ठीक है ए है है ये real owner है, और बी जो है वो ostensible owner है ostensible owner है right? A, A owner है 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 अब ए ए ने जो जो उसने ये ये में बी बी को ostensible owner बना रखा करता सी को बी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है सी को, को तो जो सी है जो एक इनोसेंट बायर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली बनाया गया कोडिफाई किया गया सेक्शन

बट वो दिख रहा है कि वही उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है तो यहां पे कुछ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल ओनर उसको वैलिडेट करने के लिए कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का रिक्वायरमेंट है अगर सारी सारी जो है कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो दैट मीनस ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल ओनर ने वो एक वैलिड ट्रांसफर माना जाता है और यहां पर यह बेसिक का प्रिंसिपल क्या है कि थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है

सेंसेबल ओनर प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकता अदरवाइज मॉर्गेज कर सकता है सेल कर सकता है लीज पे दे सकता है सब कुछ कर सकता है बट गिफ्ट नहीं कर सकता रीजन बीइंग कि ऑस्टेंसिबल ओनर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसके बदले उसको कंसिड्रेशन लेना बहुत एसेंशियल एलिमेंट है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन का कि कंसिड्रेशन तो होना ही चाहिए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो कुछ भी नहीं दे रहा है यहाँ पे ऑस्टेंसिबल ओनर ऑस्टेंसिबल ओनर जब प्रॉपर्टी दे रहा है किसी को तो उसके बदले कुछ पैसा ले रहा है कुछ कंसिड्रेशन ले रहा है राइट right? तो ऑस्टेंसिबल ओनर इज अगर हम सिंपल एक सिंपल लाइन में समझे तो ही इज लुकिंग लाइक अ रियल

सेक्शन 41 के एप्लीकेबिलिटी के लिए आपको देखना होगा कि भाई जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है वो एक ऑस्टेंसिबल ओनर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और वो जो ऑस्टेंसिबल ओनर बना है वो रियल ओनर के एक्सप्रेस या इंप्लाइड कंसेंट से ही बना है मतलब रियल ओनर को पता है कि ऑस्टेंसिबल ओनर प्रॉपर्टी उसने ही ऑस्टेंसिबल ओनर बनाया है और उसको पता है कि ये जो है ट्रांजेक्ट करेगा प्रॉपर्टी को लेकर ठीक है तो यहाँ पे जो रियल ओनर है उसकी पूरी कंसेंट है और उसने कंसेंट से ऑस्टेंसिबल ostens, ओनर बनाया है वो जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है नाउ द एक्चुअल ओनर्स कंसेंट जो रियल ओनर है

ऑस्टेंसिबल ओनर मस्ट बी कंपनसेटेड ठीक है तो उसके बदले वो कुछ कंसिड्रेशन भी लेगा ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर्टी नहीं देगा एट द सेम टाइम जो ट्रांसफरी है जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है हमारे एग्जाम्पल में ए जो है वो रियल ओनर है बी जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है और सी को बी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो जो यहाँ पे ट्रांसफरी है सी इसको पता है कि वो प्रॉपर्टी जो है बी ऑस्टेंसिबल ओनर से खरीद रहा है ठीक है उसके उसको एक उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज को दी जा रही है ठीक है वो रीजनेबल प्रूडेंट अपना इस्तेमाल करके ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी बी इसके पास ये पावर है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की राइट नाउ द्रांसफरी मस्ट यूज रीजनेबल कॉशन ओवर दी ट्रांसफर पावर ओवर दी प्रॉपर्टी अब यहाँ पे जो खरीदने वाली पार्टी है जो ट्रांसफरी है वो अपना पूरा प्रूडेंट अप्लाई करेगा वो अपना पूरा दिमाग लगाएगा ये जानने के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं उसके पास पावर है प्रॉपर्टी बेचने की या फिर नहीं एंड वेदर दी ट्रांसफरी एक्टेड विद दी बोनाफाइड इंटेंशन और यहाँ पे ये भी देखना है कि जो ट्रांसफरी है वो बेसिकली बोनाफाइड इंटेंशन से यहाँ पे बी से प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसका ए को सी का ए को रिसीव करने का कोई भी यहाँ पे इंटेंशन नहीं है प्रॉपर्टी खरीद रहा है से और, सी को, सी को और प्रूडेंट लगा, लगा देना है और जानने के लिए बी जो है वो उसके पास ये पावर है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है उसको रीजनेबल एक्सरसाइज करना होगा अपना कौशन uh, राइट right? मतलब वो कॉशियस होगा उसको रीजनेबली दिमाग लगाना होगा नाउ दिस सेक्शन नीडलेस टू से डज नॉट अप्लाई

और जो ये ऑस्टेंसिबल ओनर है प्रॉपर्टी किसी को भी दे रहा है तो उसमें वो कंपन उसके बदले वो कंसिड्रेशन ले रहा है उसके बदले वो पैसे ले रहा है गिफ्ट नहीं कर सकता ऑस्टेंसिबल ओनर कोई भी प्रॉपर्टी बाकी सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो जो ही है जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो अपना पूरा आ, उसको उसको पास पूरी ऑपरचुनिटी है कि वो पूरा रीजनेबल इंटेलिजेंस लगाकर अपना दिमाग लगाकर पूरा प्रूडेंट इस्तेमाल करके वो जो है आ, क्या कहते हैं प्रॉपर्टी परचेज करे ये जानने के बाद जितना भी वो कर सकता है अब ऐसा भी नहीं कि खुफिया बन जाना है उसको एकदम से नॉर्मली एक प्रूडेंट मैन जितनी जांच पड़ताल कर सकता है उतनी करने के बाद जब ये समझ जाएगा कि पावर है उसके पास उससे वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है की जो ट्रांसफरर है जो यहाँ पे ऑस्टेंसिबल ओनर है उसके पास पावर है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद ये जानने के बाद वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है और जो ट्रांस ट्रांसफर ही है उसका बोनाफाइड बौन, इंटेंशन है उसका एकदम प्योर क्लियर इंटेंशन है और रिसीव करने का कोई भी इंटेंशन यहाँ पे नहीं है राइट नाउ एक्सेप्शन है अब ये जो बेसिकली सेक्शन है आपका सेक्शन 41 ये एक एक्सेप्शन है लैटिन मैगजिम का और वो मैगजिम है मैगजिम है नेमो डैट को नॉन हैबिट रूल ठीक है बेसिकली हमने इस इस का मतलब क्या है कि जिसके पास जिसके पास गुड टाइटल है वही गुड टाइटल आगे दे सकता है ठीक है जिसके पास टाइटल नहीं है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता नाउ द रूल जो आपका सेक्शन 41 में दे रखा है एक्ट एज एन एक्सेप्शन टू जनरल जनरल प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो क्या है जनरल प्रिंसिपल so, जो मैग्जिम है दैट इज अ पर्सन के नॉट ट्रांसफर अ सुपीरियर टाइटल टू द प्रॉपर्टी देन वॉट ही होल्ड जो प्रॉपर्टी का टाइटल जो, जो उसके पास है वही वो ट्रांसफर कर सकता है जो टाइटल नहीं है उसके पास वो ट्रांसफर नहीं कर सकता राइट अगर उसके पास टाइटल है तो वो गुड टाइटल ही ट्रांसफर करेगा ना इसके बारे में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ते हैं ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे जो जनरल प्रिंसिपल है इसका ये एक्सेप्शन बन के आया है सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट राइट कि भाई एक पर्सन जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता सुपीरियर टाइटल टू दी प्रॉपर्टी दैट वॉट ही होल्ड जो टाइटल वो होल्ड करता है वही टाइटल वो आगे दे सकता है

a valid title to the property and that is why section 41 is an exception to the general principle kya kehta hai general principle ki bhai jiske paas jo title hai wahi wo transfer kar sakta hai right और उससे सुपीरियर title को transfer नहीं कर सकता but section 41 में क्या बताया Section 41 में clear कर दिया कि अगर मान लो कोई person है जो real owner है वो इंटरेस्ट करता है किसी दूसरे पर्सन को जिसको हम ऑस्टेंसिबल ओनर कह रहे हैं उसको टाइटल पेपर्स देता है और वो कहता है कि भाई तुम जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो तुम ट्रांसफर कर सकते हो प्रॉपर्टी तो जो भी थर्ड पार्टी है जो भी ट्रांसफरी है अगर वो बॉलोफाइड इंटेंशन से ट्रांजेक्शन करता है ओनर से तो वो एक वैलिड ट्रांजेक्शन माना जाएगा ठीक है तो वो वैलिड टाइटल उसको मिलेगा को मिलेगा को एज अगेंस्ट रियल रियल ओनर ओनर बेशक ने नहीं किया है है ओनर ने किया उसके बदले बट यहां पे जो थर्ड पार्टी है जो ट्रांसफरी है उसके पास वैलिड टाइटल ट्रांसफर किया जाएगा आई होप इट इज क्लियर नाउ 43 सेक्शन क्या कहता है देखो ये आपका 41 है आपको एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए अगर शॉर्ट नोट में पूछा जाए तो आपको ये तीन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं और ये बता देना है कि ऑस्टेंसिबल ओनर्स के द्वारा अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है और वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अगर पूरे हो रहे हैं तो वो वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा वो एक वैलिड ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म जाएगा उसको आप नहीं कह सकते बाद में रियल ओनर ये नहीं रोना मचा सकता कि भाई मेरे से तो मुझे मुझसे बिना पूछे प्रॉपर्टी बेच दी यहाँ पे या फिर मुझे पता नहीं था या कम पैसों में बेच दी ये सब रियल ओनर क्लेम नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि पहली जो एसेंशियल इंग्रीडियंट वो क्या है कि यहाँ पे रियल ओनर की कंसेंट है कि ऑस्टेंसिबल ओनर उसकी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ट्रांजेक्शन करेगा I I hope it is clear now. Now moving ahead with section 43. 43 41, important section 43. 43 41 important would say कि section 38 एक बार bare reading ले लेना right? ले अब बेसिकली यहाँ पे सेक्शन 38 हो गया 41 हो गया 43 हो गए वो क्या कह रहे हैं जो ट्रांसफर हो रहा है वो कोई और पर्सन कर रहा है ठीक है या फिर जो फुल ओनर है वो यहां पर डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करा फोर्टी वन में, में देख लिया जो रियल ओनर है वो ट्रांसफर नहीं रहा बट ऑस्टेंसिबल ओनर ट्रांसफर कर रहा है 43 में क्या बात कर रहा है ईस्ट e स्टॉपल की प्रिंसिपल की बात कर रहा है एंड दैट इज वाई फोर्टी थ्री को कैसे जाना जाता है फीडिंग दी ग्रांड ईस्ट स्टॉपल राइट तो अगर कोई आपसे डॉक्ट्रेन पूछे डॉक्ट्रेन ऑफ फीडिंग दी ग्रांट ईस्ट स्टॉपल दैट इज योर सेक्शन नंबर फोर्टी थ्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्लियर नाउ ईस्ट स्टॉपल का प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई मैंने अगर कुछ रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने तो फिर मैं बैक फुट पे नहीं जा सकती अगर मैंने आपको कहा कि मैं जो है ये प्रॉपर्टी आपको दूंगी मैंने आपसे एग्रीमेंट किया कि मान लो ये पेन मैं आपको दूंगी ठीक है अब मैं अगर आपको ये पेन नहीं देती हूं ठीक है और आपने मेरे इस एग्रीमेंट की वजह से अपनी पोजिशन को ऑल्टर कर लिया

कोई भी प्रॉपर्टी ना है ना इसको पता है कुछ भी नहीं उसको नहीं पता बस ने ऐसे झूठा वादा कर दिया फ्रॉडलेंटली इसने कह दिया कि बी को कि मैं तुम्हें दूंगा और उसके बदले इसने दस लाख रुपए ले लिए दस लाख रुपए उसने कह दिया कि दस लाख रुपए में मैं महीने बाद तुम्हें एक प्रॉपर्टी दूंगा अब मान लो कहीं से ए के पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है ठीक है अब यहाँ पे क्योंकि ए वादा कर चुका है कि वो प्रॉपर्टी बी को देगा तो यहाँ पे बाद में ए इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मुकर नहीं सकता उसको ये प्रॉपर्टी बी को देनी ही पड़ेगी उसको ये प्रॉपर्टी बी को हरालत में देनी पड़ेगी दिस इज वॉट इज फीडिंग दी ग्रांड कि उसको जो भी कुछ मिलेगा ठीक है मान लो उसको ये प्रॉपर्टी मिली इस प्रॉपर्टी में उसके पास ये राइट हो गया ए उस दिन जब उसने एग्रीमेंट किया था जब उसने ये कहा था कि मैं तुम्हें बी को कहा था कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा तब उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और बाद में अगर प्रॉपर्टी आ जाती है तो फिर वो मना नहीं कर सकता उसको ये प्रॉपर्टी बी को देनी पड़ेगी ये प्रॉपर्टी उसको बी को देनी पड़ेगी सिंपल सी बात है ये ई स्टॉपल की नाउ जो ई स्टॉपल का प्रिंसिपल है

करना पड़ेगा दिस इज वॉट दी डॉक्टर ऑफ ईस्टॉपल से ठीक है और यहाँ पे कोर्ट उसको कंपेल करेगा कि तुमने प्रॉमिस किया था नाउ यू गॉट गोट हाउस नाउ यू हैव दिस प्रॉपर्टी यू हैव इट यू हैव टू गिव इट टू बी आपको बी को देना पड़ेगा क्योंकि पहले आप प्रॉमिस कर चुके हो कि आप दो महीने में उसको प्रॉपर्टी दोगे

43, ठीक है, uh, feeding the grant by East अब अगर आपसे प्रस में कोई पूछे कि ये सेक्शन जहां पे अगर मान लो आपसे ये पूछ लेता है कि डॉक्टर ऑफ फीडिंग दी ग्रांड बाई स्टॉपल कहां पर दे रखा है 43 सेक्शन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात कर रखा है. है ये है, ये इवाल हुआ आपका इंग्लिश कॉमन लॉ में

A, ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करने को कहा कि मैं दो महीने में प्रॉपर्टी तो बट यहां पे उसने किया B को कि वो जो है प्रॉपर्टी देगा दो महीने बाद अब अगर मान लो सब्सिक्वेंटली बाद में अगर वो इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में लेता है तो यहां है बी को प्रॉपर्टी डिलीवर करने में ठीक है उसको देनी ही पड़ेगी प्रॉपर्टी अब इसके सेक्शन को रीड आउट करो क्या कहता है पर्सन और फ्रॉडेंटली ठीक है गलती से एरर से या फिर फ्रॉड करके रिप्रेजेंट करता है खुद को यहाँ पे ए ने रिप्रेजेंट किया कि मेरे पास इस घर को बेचने की अथॉरिटी है बट है नहीं एक्चुअली में ठीक है रिप्रेजेंट करता है कि वो ऑथराइज है ट्रांसफर करने के लिए सर्टेन इमोवल प्रॉपर्टी

कहता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि मैं तुम्हें दो महीने के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा तो जब तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस करेगा यहां पे अगर उस बीच में प्रॉपर्टी उसको एक्वायर हो गई अगर मान लो ए को बीच में इंटरेस्ट आ गया इस प्रॉपर्टी में जिस प्रॉपर्टी को उसने प्रॉमिस किया था देने के लिए बी को अगर उसने इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है तो फिर ए मुक्कर नहीं सकता उसको देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर को

Now, इसको एक एग्जाम्पल से समझो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है इसका क्या कहता है कि ए जो है वो सन है बी जो है वो फादर है ठीक है एक्स वाई जेड है ए ने क्या किया ये फील्ड जो है सी uh, को दे दी जो बेटा है उसने सी को दे दी अब उसके पास जब उसने सी को, को, को बेची ये सेल ये सेल करी तीनों प्रॉपर्टी तीनों फील्ड अपनी तो उस टाइम पे जेड के ऊपर अथॉरिटी नहीं थी ठीक है फिर बी उसके ऊपर जेड के ऊपर अथॉरिटी किसकी थी पापा की थी फादर बी की थी बट बी मरने के बाद ये जेड किसको मिल गई ए को मिल गई एज एन हायर उसका बेटा है उसको मिल जाएगी। तो जैसे ही बी मरा उसके बाद प्रॉपर्टी आ गई बट जब उसने एक्स वाई जेड फील्ड जो फील्ड थी वो जब बेची थी तब उस टाइम पे ए के पास जेड के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं थी बी के मरने के बाद अथॉरिटी आ गई तो अब ए जो है वो मना नहीं कर सकता उसको जेड प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी उसको बाद में एक्वायर हुआ इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड फील्ड को ले कर, को लेकर लेकर बट वो मना नहीं कर सकता ए डिनाई नहीं कर सकता उसको देनी पड़ेगी ये तीनों फील्ड क्योंकि उसने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था उसने पहले ही सेल कर दी थी फील्ड बट पहले जब सेल करी थी तब जेड के रिस्पेक्ट में उसके पास फील्ड के रिस्पेक्ट में उसके पास कोई को भी राइट नहीं था बाद में राइट आया जब पिताजी मर गए तो तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे उसको तीनों ही फील्ड देनी पड़ेगी ठीक है अब क्या कंडीशंस चाहिए हमें अगर हमें सेक्शन 43 की एप्लीकेबिलिटी चाहिए तो नाउ ट्रांसफर शुड नॉट हैव एन अथॉरिटी ट्रांसफर किया है जब प्रॉमिस किया है जब एग्रीमेंट किया है जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रांसफर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी राइट फर्स्ट कंडीशन अगर आपको देखी जाए अगर आपको सेक्शन 43 को एप्लीकेबल करना है तो ट्रांसफर शुड बी एन अनऑथोराइज ट्रांसफर की भाई अनऑथोराइज पर्सन उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उस टाइम पे ट्रांसफर करने की कुछ भी च मीन्स ही डज नॉट है ट्रांसफर अनऑथोराइज ट्रांसफर कर रहा है वो उसके पास जब वो ट्रांसफर के कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस टाइम पे उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है बट स्टिल ही प्रोमिस टू ट्रांसफर अथॉरिटी ना होने के बावजूद भी यहां पर ये पर्सन अनऑथोराइज ट्रांसफर जो है कर रहा है पर्सन ये प्रोमिस कर दे रहा है ट्रांसफर ही को कि वो परफॉर्म करेगा उसके पास अभी है कुछ नहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसको ये भी नहीं पता लेकिन फिर भी वो प्रॉमिस कर दे रहा है ट्रांसफरी को कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा वो ट्रांसफर करेगा पर्टिकुलर इमोवल प्रॉपर्टी को

उस बीच में अगर आपने अथॉरिटी आपके पास आ गई है या फिर आपका इंटरेस्ट आ गया आपके पास इंटरेस्ट आ गया उस इमोल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ही बिकम

पूरा राइट है पूरी अथॉरिटी है ट्रांसफर करने की उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बट बट रियल में But वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि, कि जो मेरे पास है ये पूरा अधिकार है मैं इस इमोल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता हूं नाउ इफ देर इज नो फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन अगर कोई फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन नहीं है दिस सेक्शन कैन नॉट अप्लाई अगर फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है तो ये सेक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा मिस रिप्रेजेंटेशन कैन बी बोथ

या फिर गलती से तो भी आप यहां पे सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी होगी नाउ इफ द मिस मिसरिप्रेजेंट हिज एज और स्टेट ऑफ माइंड तो उस पर्टिकुलर केस में सेक्शन फोर्टी थ्री एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एज वगैरह रिप्रेजेंट कर रहा है मिसरिप्रेजेंट कर रहा है या फिर स्टेट ऑफ माइंड रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में सेक्शन फोर्टी थ्री आपका एप्लीकेबल नहीं होगा ये ध्यान रखना नाउ कंसिडरेशन होनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो पर्सन ऑथराइज नहीं है जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ट्रांसफर ही से फॉर कंसिडरेशन उसके बदले कह रहा है कि दो महीने बाद में तो मैं ये प्रॉपर्टी दे दूंगा उसके बदले मुझे ये पैसे दे दो ठीक है तो कंसिडरेशन वहां बहुत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपने गारेटली ट्रांसफर किया है ठीक है सो इफ द ट्रांसफर

क्लियर नाउ डिस्क्रिशन ऑफ द ट्रांसफरी अब यहां पे यह चीज इंपॉर्टेंट है जो ट्रांसफर हुआ है विल नॉट पास ऑटोमेटिकली टू द ट्रांसफरी

सेक्शन सेक्शन 43 बताता है इट इज इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू विदाउट नोटिस ट्रांसफरी के पास है, को, तो को प्रोटेक्ट किया जाएगा सेकंड ट्रांसफरी जहां पे सेकंड ट्रांसफरी गुड फेथ में कंसीडरेशन देकर ठीक है और उसके पास कोई भी नोटिस नहीं है कि फर्स्ट ट्रांसफरी के पास कोई ऑप्शन है तो यहां पे ट्रांसफर uh, करता है बिफोर द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज हिज क्लेम नॉट बी अफेक्टेड बाई द्लेम ऑफ दी फर्स्ट ट्रांसफरी अंडर सेक्शन से राइट को यह बात नहीं पता है कि फर्स्ट ट्रांसफरी के ऑप्शन के बारे में नहीं पता है और बोनोफाइड ट्रांजेक्शन किया है और कंसेटेशन भी पे करिए तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी राइट को अफेक्ट नहीं किया जाएगा क्लियर नाउ अगेन एग्जाम्पल है यहाँ पे कि ए अंदू who has been separated from his father and retains the property x through partition property x ko retain kar rakha hai partition se and b his brother gets the property y b ko property y mil jati hai a fraudently kya hai represent karta hai c ko that he has both the properties and sold to him pita hai theek hai do bete hai uske एक बेटा जो A है वो C को क्या represent कर रहा है कि उसके पास दोनों property है, है नहीं जब उसके पास एक property भाई के पास है एक property उसके पास है जो एक भाई है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है सी को कि उसके पास दोनों प्रॉपर्टी है आफ्टर समटाइम्स बी डाइज एंड ए बिकम्स द रियल ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वाई ऑल्सो और फिर वो जो है बी मर जाता है ठीक है

तो फिर वो आपका इनवैलिड ट्रांसफर माना जाएगा फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसफर इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी या फिर परफॉर्म बाई दाइनर माइनर ने परफॉर्म की है ये और ये जो सेक्शन आपका पर्टिकुलरली ये सिर्फ और सिर्फ क्यों बनाया गया इसका बेसिक इंटेंशन और ऑब्जेक्ट क्या है

वन और फोर्टी थ्री में क्या डिफरेंस है अब दोनों ही प्रिंसिपल जो है दो, दोनों ही जो डॉक्ट्रिन है आपकी ये बेस्ड है रूल ऑफ ईस्ट ऑपल पे ये बेस्ड है आपका रूल ऑफ ईस्ट ऑपल पे राइट एंड बोथ आर मेड बाय द पर्सन हु मिसरिप्रेजेंट देम सेल्स एज अ रियल ट्रांसफरर, दोनों में ये है कि उसमें ऑसेंसिबल ओनर बनाया है इसमें यहाँ पे मिसरिप्रेजेंट कर रहा है दो दे आर बट

But taking reasonable care is not required. वहाँ पे पे में जब मैंने मैंने आपको होना पढ़ाया, तो मैंने क्या बताया? कि कि को करना होगा, उसको अपना लगाना पड़ेगा जानने के लिए, जिससे वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसके पास राइट है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का या नहीं बट यहाँ फोर्टी थ्री में ट्रांसफरी जो है वो बहुत इनोसेंट है उसको नहीं पता प्रॉमिस कर रहा है जो अनऑथराइज तरीके से जो अनऑथराइज पर्सन है वो उसको नहीं पता कि जो पर्टिकुलर पर्सन से मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं, वो पर्सन है, राइट तो यहाँ पे रीजनेबल केयर की जरूरत नहीं है वो ईस्ट स्टॉपल का प्रिंसिपल किस पे एप्लीकेबल हो रहा है अगेंस्ट दी रियल ओनर रियल ओनर बाद में ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझसे पूछ के प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी है और 43 में जो ट्रांसफरर है जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरर है वो ये बात नहीं कह सकता उसके अगेंस्ट है ये रिस्टॉपल का प्रिंसिपल क्लियर सो दिस वाज योर सेक्शन नंबर 41 एंड 43 आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल नाउ आपको इस सेशन की पीपीटी जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं श्री मिश्र के नाम से सिमिलरली इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम यूजर नेम से कोई भी डाउट हो आपको तो आपको ये अब uh, आप कोई भी डाउट इन सेशन के रिस्पेक्ट में हो तो एक्ट में अगर आप कुछ अब जहां तक मैंने पढ़ा दिया उसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे और सेशन की पीपीटी आप कलेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे एक इंपॉर्टेंट चीज की स्टडी आईक्यू का लाइफ फाउंडेशन बैच थ्री आ गया है जिसमें एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और क्लासेस स्टार्ट होने वाली है इकतीस जुलाई से सो so, अगर आप एक जुडिशल एस्पिरेंट है इंटरव्यू तक तैयारी कराई जाती है और आपको ये कोर्स मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में आप ये कोर्स खरीद सकते हैं सिर्फ चौबीस हजार रुपए में यूज करके प्रोमो कोड श्री लाइफ श्री लाइफ से मिलेगा आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज और कि आपको किस तरीके से इस कोर्स को परचेज करना है तो अगर आप आ, गूगल पे जाए ठीक है यहाँ पे आप गूगल पे जाए स्टडी आई ट्यू जुडिशरी टाइप करें वहां पे सर्च करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव फाउंडेशन बैच आपको दिखेगा और एट द सेम टाइम आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे आपको यहाँ पे इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज करना है अगर आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइव लाइफ फाउंडेशन बैच की अगर मैं बात करूं तो जो कोर्स आपको यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड रुपीज का दिखा रहा है जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे अप्लाई करेंगे प्रोमो कोड श्री लाइफ एस एच आर आई एल आई वी ई आप देख सकते हैं आपको इस कोर्स में मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट एंड यू कैन सी की आपको ये कोर्स मिलेगा चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में थ्री लाइफ के प्रोमो कोड से 24 फोर मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लेक्चर नोट्स नोट, डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराई जाती है और एक मेंटर भी दिया जाता है फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की आईडी मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है और आप मुझसे क्लास का सेशन की पीपीटी भी वहां पे कलेक्ट कर सकते हैं तो दिस वाज ऑल इनरोल करें स्टडी आई क्यू की लाइफ फाउंडेशन बैच थ्री में क्लासेस थर्टी जुलाई से स्टार्ट होने वाली है अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन को परचेज करते टाइम यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइफ थैंक यू सो मच फॉर बींग